दारू मदरा पीना छोड़ो क्योंकि यह हानिकारक है। जितने संत हुए सब कह गए, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जल्दी ही छोड़ते नहीं है, कोई नहीं अपने छूट जाएंगे। भाई प्रयास करोगे तब तो छूटेगा ना। खाने के लिए दूध दही पनीर जितने फल फ्रूट हैं, क्या जरूरी है वैसे पदार्थ को अपने ये सुंदर शरीर में डालो। अब वहाँ पर बात नहीं मानते हैं, कहा आपका काम है सत्संग परमाना फरमाइए, हम लोग दास संस्कार करेंगे और चलते बनेंगे। आके सेवक ने कहा गुरुदेव वह व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं है, कहते आपका काम है सत्संग करना, सत्संग कीजिए और हम लोग दास संस्कार करेंगे चलते बनेंगे गांव को घर को। बाबा देवी साहब काले वस्त्र पहनते थे, हाथ में लाठी लिया और मेज पर से उतर करके दो चार दस सेवक भी साथ में चलते बने। वहां पर चीता रचा चुके थे, चीता रचा चुके थे, अब अग्नि दान करना था। देखा कि साधु बाबा आ रहा, कहीं सामने में रहेंगे तो हो सकता शराप दे देंगे, क्योंकि इनके इस सत्संग को हम लोग भग्न किए हैं, बात नहीं माने हैं। सब आदमी उस जगह से वहां से हट गए, कहीं सामने में रहेंगे तो हो सकता है कुछ बोल देंगे महापुरुष, श्राप दे देंगे, इसलिए वहां से एक दो करके सब खिसक लिए। जब वहां पर पहुंचते हैं मुर्दे के पास में, जिनको जलाने की तैयारियां चल रही थी, वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद संतों की मौज का है, जो जोन करे लकीर सो करे फकीर, फकीरों के पास में से क्षमता योग्यता होती है। अब क्या करते हैं यह महापुरुष, गए और जाकर के मुर्दे के पास कहते हैं, अरे मेरे डर से यहाँ से सब भाग गए और तुम अभी तक सो रहा है इस चिता पर। लाठी सोटी था हाथ में और एक दो बार उड़ा मारा, और जैसे संतों ने कहा मेरे डर से सब भाग गए, लाठियों को ऐसे सोटी को उड़ा मारा, होता क्या है संतों की देखिए कृपा। और जैसे उड़ा दो से तीन बार मारा और वो भी मुर्दा उठ उठ करके भागने लग गए, वो भी मुर्दा उठ उठ करके भागने लग गए। यानी संतों में जो पहुंचे हुए महापुरुष होते हैं, वो मुर्दा को भी जिंदा करते हैं, और जिस शरीर में रहने के उपरांत भी कई ऐसे संत हैं, डॉक्टर बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग, वो भी फैल हो गए, वो भी फॉइल हो गए चेक करने में। उनके यंत्र जो था, जैसे एला वगैरह सब होता है चेक करने की मशीन होती, संत तो ऐसे हैं कि बोलते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन डॉक्टर उनको मुर्दा घोषित करते हैं। लेकिन मुर्दा घोषित करेंगे तो बोल भी तो रहा है ना। दयानंद सरस्वती जब अपने भारत देश में प्रचार करते करते चले विदेशों में प्रचार करने के लिए, यही पंजाब के हैं दयानंद सरस्वती, बड़े विद्वान महापुरुष हुए। जब प्रचार प्रचार करने के लिए जब विदेशों में गए, तो विदेश में गए और अपने को बादशाह भी कहते थे, राम बादशाह। जब प्लेन पर चढ़ा तो लोगों ने पूछा वहां के विदेशियों ने, कहां जा रहे हैं महाराज, कहा मैं जा रहा हूं अमेरिका, कहा वो तो बहुत खर्चीला देश है, फिर आप जा रहे तो वहां रहोगे कहां, कहा वहां रहने का भी प्रबंध हो जाएगा। तो लोगों ने कहा, वहां के जो व्यक्ति था उस प्लेन में बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए थे, कहा वही राम बादशाह है, कहा वही राम बादशाह। तो उन्होंने कहा कि जितना दिन तक ये विदेशों में रहना चाहेंगे अमेरिका में, इनका सारा खर्चा सारा टिकट आना जाना हम सारा बियर करेंगे, सारा कुछ हम देंगे। तब राम बादशाह ने कहा देखो
खजाना उनके पास नहीं, खजानती तो कोई और होते हैं। देखो देने वाला कोई है ना, हमारा खजानची हो गया ना तैयार। जब वह प्लेन से उतरा, जब गया तो सज्जनों ने कहा, महाराज जैसे हम लोग सप्तंग कराते हैं ना, यहाँ पर भी सप्तंग होने वाला है अगले महीना है। स्वामी प्रमोद जी महाराज, निर्मला जी महाराज का विज्ञापन छपाते हैं, यानी पोस्टर छपाते हैं प्रचार के लिए। तो सज्जनों ने कहा कि गुरुदेव आप पहुंचे भी फकीर हैं, संत हैं, क्या मैं आपके नाम पर इस हॉल में सत्संग होगा, मैं छपा दूं पोस्टर और जगह जगह पर चिपका दूं, विज्ञापन अखबार में दे दूं। कहा ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप मात्र 5 डॉक्टर के बुला करके ले आइए, वही मेरा प्रचारक होंगे। अब देखिए संत कैसे होते। कहा 5 को बुला के ले आइए, बड़े बड़े डॉक्टरों को। बोला ठीक है गुरुदेव। गए 5 डॉक्टरों को ले आए, और ले आकर के कहते हैं कि डॉक्टर साहब जितने आपके पास में चेक करने की मशीन है ना, सब लगाइए हमारे शरीर में, हमें या तो जिंदा या तो मुर्दा घोषित करके दिखाइए आप। देखिए संत कैसे होते। कहा या तो जिंदा या तो मुर्दा, आप यंत्र के द्वारा या अपने वैज्ञानिक के द्वारा हमें बताइए। बोला ठीक है महाराज। अब यंत्र लगाए तो देखते नहीं धड़कन चल रहा है, नहीं श्वास चल रहा है, नहीं नाड़ियां चल रहा है। कहा महाराज आपका तो कोई मशीन मेरा काम ही नहीं कर रहा, हो सकता मेरा मशीन खराब हो गया। दूसरे डॉक्टर को कहा, दूसरे आए वो भी चेक करते हैं, बोलते महाराज कुछ नहीं धड़कन चल रहा है, नहीं नाड़ियां चल रही है। अगर मैं मुर्दा घोषित करता हूँ, लेकिन आप तो देख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, हम कैसे आपको मुर्दा घोषित करूं? अगर जीवित हैं तो आपका तो नाड़ी चलना चाहिए, श्वास की गति चलना चाहिए, धड़कन ही चलना चाहिए, लेकिन आप तो नहीं मरे हुए दिख रहे हैं, नहीं तो जीवित दिख रहे हैं। बड़ी डॉक्टरों को आश्चर्य हो गए, ये भारत देश के ऐसे सब महापुरुष हैं। अब 5 ने 25 को बुला लिया है, अब 25 डॉक्टर को बुला के लिए आए, और सबको अपने अपने यंत्र मशीन लगाते हैं। अब इधर बातचीत भी कर रहे हैं, अब वहां पर देखते हैं कि न धड़कन चल रहा है, न श्वास चल रहा है। सब डॉक्टर हैरान हैं, ये भारत की ऐसी क्रिया है, ऐसी विद्या है कि जीते जी मुर्दा दिख रहा है, नहीं श्वास चलेगा, नहीं नाड़ियां चलेगी, और नहीं धड़कने चले, क्या कहेंगे, इनके प्राण अंत हो गए, यानी जीवात्मा निकल गए। लेकिन निकल गए तब होता है जबकि नहीं बोलते हैं, नहीं चलते हैं, तब न कहते हैं। और यहाँ तो राम बादशाह बोल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की मशीन काम ही नहीं कर रहा है, चली नहीं, दिख ही नहीं रहा कि धड़कने चल रहा है, श्वास दिख रहा है, चल रहा है। तो ऐसे कब होता है, जब वह संत साधना करते हैं, जब गुरु से युक्ति लेकर के, जब आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं। तो कहा है तर गयो अस्कियो सब, हमारे गुरुदेव ने कहा है पदावली में, तर गयो अस्कियो सब राई रंग हो, अब बीप्र भंगी अपर परवा करियो तरियो न संक हो, माघ भूखा बाघ काल के अब मुख पड़ो है बाब रे, होश कर चेतो सबरे बचो ध्यान के दाव रे, अकाल मुख से निविकी भागो अध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर कोई यहाँ तो रोहियो पचताए रे। कहते अगर काल के मुख से भागना चाहते हो, बचना चाहते हो, तो बाहर भागने से नहीं बचे, भागेंगे किधर, अपने अंदर भागने के लिए महापुरुष कहते हैं, जो संतों से गुरु से दीक्षा लेकर के आंख बंद करके मेडिटेशन करते हैं, तो कहते हैं वह व्यक्ति बाहर नहीं भागते हैं, अपने अंदर में भागते हैं। अब भागने की क्रिया जो जानेंगे वही ना भागेंगे। इसी तरह से मकान के अंदर में एक गुरुजी प्रवचन फरमा रहे थे,
अज्ञात उनको हुआ है, अभी कुछ ही देर में भूचाल आने वाला है, यानी धरती हिलने डोलने वाले में है। आप लोगों को भी पता चलता है तो आप लोग क्या करते हैं, मकान से बाहर हो जाते हैं नहीं, कि कहीं मकान के अंदर में रहेंगे। आप लोग सुने हुए गुजरात में बड़े बड़े इमारत गिर गए भूकंप है, कहीं ऐसा हुआ बद्रीनारायण गंगोत्री में देखिए भूकंप में क्या क्या हुआ थे पीछे से पीछे। तो पता जब चलता है तो मकान से सब व्यक्ति बाहर हो जाते हैं ना, वैसे ही संतों को पता चला तो संतों ने सब भक्तों से कहा, देखो भक्तों कुछ ही देर में अंधी तूफान भूचाल आने वाला है, जल्दी जल्दी सप्तंग स्तुति आरती विनती कर लो और इस छत से बाहर हो जाओ। सबने गुरुजी पर विश्वास किया, माना गुरुजी ने सच कहते होंगे, ये भविष्य के बातों को जानते हैं। जल्दी जल्दी आरती विनती किया, सब मकान से बाहर हो लिए। जब सब बाहर हो लिए तो सड़क पर गए और सब देखते हैं गुरुजी को, जब पता था भूकंप आने वाला है लेकिन गुरुजी नहीं भागा, लगता है गुरुजी भी मजाक टीचरा करते हैं। लेकिन मिथ्या न हुई देव ऋषि वाणी, जो देखा था संतों ने मौज में आके बोल दिया। होता क्या, कुछ दूर देर के बाद उधर से आंधी तूफान आया, धरती भी हिलने लग गए, भूचाल आ गए। आज भूचाल आ गए, लोगों ने कहा कि बात तो सही कहा महाराज जी ने, लेकिन महाराज जी क्यों नहीं भागे, हम लोगों को तो भगा दिए लेकिन महाराज जी को भी तो भागना चाहिए, महाराज जी नहीं भागे। जब कुछ देर के बाद शांत हुआ, आंधी तूफान हिलना डुलना शांत हुआ, तब आकर के कहते हैं सभी भक्त, महाराज आप जब जानी जान हैं, भविष्य के बातों को जानते हैं, तो आप क्यों नहीं भागे गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा, भागे तो हम भी थे। क्या गुरुदेव, कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम लोग आपस में चर्चाएं कर रहे थे कि गुरुजी की जब पता था तो गुरुजी नहीं भागे मकान के बाहर, और कहते भागे तो हम भी थे। कहा नहीं नहीं गुरुदेव, आप तो भागे ही नहीं। कहा देखो भागे हम भी थे, भागने भागने में फर्क है। कहा वो कैसे गुरु महाराज। कहा तुम लोगों ने ये शरीर को लेकर के बाहर भागा था और हमने इस शरीर को छोड़ करके अंदर में भागा था, भागने भागने में फर्क था यही। अगर शरीर है, शरीर को कष्ट होता है, पीड़ा होता है, और शरीर से जैसे जीवात्मा निकल गए, जो मर्जी इसको कीजिए नहीं, शरीर में बोलता रहा मैं तभी तक मैं काम करते हैं। जैसे निकल गए वैसे देखिए जलाते हैं, काटते हैं या पानी में दे देते हैं, अगर इनमें आ जाए तो देखिए कैसे छटपटाएंगे है। लेकिन इनमें जो रहने वाले थे वो निकल जाते हैं पहले। एक संत हो गए काशी में पलटू साहब, लोगों ने देखा कि साधु बाबा लोगों को प्रचार प्रचार करते हैं और लोगों को अपना शिष्य बनाते हैं, अपना पूजक करवाते हैं, ये परंपरा से होते चले आए हैं, ये परंपरा से संतों को पीड़ा देते आए हैं संसार के लोग, लेकिन फिर भी संत दूसरे को उपकार ही करते हैं। इस तरह के संत होते हैं, गुरु होते हैं। कहा है वृक्ष के समान होते, वृक्ष के समान कहा है वृक्ष कभू फल ना बके, नदीन संचय नीर, अब परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। जैसे वृक्ष लगता है उसमें देखते फल लगा, लोग डंडे मारते हैं, ईटे डंडे मारते हैं, अब फिर भी वह दूसरे को फल देते हैं, अब फिर भी छा भी देते हैं, नदी अपने लिए पानी नहीं रोकते हैं। जो भी जाति पाति, चाहे नीच वर्ण का हो उच्च वर्ण का हो, निर्धन हो धनीमान हो, विद्वान हो अविद्वान हो, जो भी कोई व्यक्ति उसमें जाते हैं उनको शीतलता प्रदान अवश्य करते हैं, अपने लिए पानी नहीं रोकते हैं परोपकार के लिए। उसी तरह से संत महापुरुष होते हैं परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, परोपकार के लिए साधु आते हैं, लेकिन संसार के लोग फिर भी उनको कष्ट देते। संत पलटू साहब काशी में
धर्म का प्रचार प्रचार कर रहे थे। देखा इनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग इनकी पूजा करते हैं, क्यों ने इनकी जीवन लीला एक दिन समाप्त कर दें। आज समाप्त तो हमारे गुरु महाराज को भी करने के लिए लोग तैयार थे और प्रयास भी किए थे, लेकिन जो लोगों को जीवन दान देते हैं उनको कौन मार सकते हैं है? आप लोगों को शायद ज्ञात होगा, किसी भक्तों ने बुलाया सत्संग करने के लिए, जब गुरु महाराज स्व शरीर में थे, भक्तों ने बुलाया, फूस की घड़ बनाया, कुटिया उसी में दिया रहने के लिए, रहने के लिए दिया। लेकिन कुछ आदमी ऐसे थे कुटिल स्वभाव का, भाला तलवार लेकर के गेट पर रहे, जब रात्रि काफी हुआ और पीछे से आग लगा दिए। जिस कुटिया में सो रहे थे गुरु महाराज, पूरी घर जल गए, लेकिन गुरु महाराज को कुछ नहीं हुआ। पूरी घर जल गए लेकिन गुरु महाराज को कुछ नहीं हुआ। जब लिखने लगा सेवक ने, गुरुदेव जिसने आपको मारने का प्रयास किया था उन व्यक्ति का नाम दे दो। बोला अगर दोगे नाम तो पूरी खानदान की बदनामी होंगे, वो तो मर के चले जाएंगे, लेकिन उनके पुस्तकों उनकी जो है देखेंगे, पोता नाती बेटा कहेंगे हमारे खानदान में से। कहा उस गौवे का नाम दे देते हैं। बोला बिल्कुल नहीं, पूरे गांव के बदनामी होंगे। अब देखिए संत कैसे होते, उनको मारने का प्रयास किए, उनका नाम भी नहीं देने दिए किताब में, और नहीं गांव का नाम देने दिए, लेकिन जिला का दिया। जिला में तो बहुत सारे पिंड है, बहुत सारे गांव आते हैं, माला आते हैं। तो ऐसे थे संत, ऐसे थे गुरुदेव, कष्ट सह करके भी दूसरे को परोपकार ही करते थे। वैसे ही संत पलटू साहब धर्म का प्रचार प्रचार करते थे, कुछ दुष्ट लोग सोचा इनके जीवन लीला ही समाप्त कर देंगे। बहुत ये लोगों को उपदेश कराते हैं, बहुत लोग इनके पूजा करते हैं, आज इनका जीवन लीला ही समाप्त कर देंगे। तेल की कढ़ाई ले आया, देखिए कैसे करते हैं संसार के लोग। कढ़ाई लाया, उसमें तेल डाला और नीचे से जलावन जलाए। जब तेल नीचे ऊपर करने लग गए, जैसे बंदा बहादुर को भी देखे ना कितने कष्ट दिया है, हैं? आप लोग इतिहास जानते हैं, हमारे नम्मा गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज को यह हिंदू धर्म बचाने के लिए, ये कब हुआ है, ऐसे खालसा पंथ मैंने पढ़ा हूँ, 1699 ईस्वी में ये खालसा पंथ की स्थापना हुआ है। लेकिन इससे पहले तो हमारे ये हिंदू जो कश्मीर के थे उनको बचाने के लिए तेग बहादुर सिंह जी महाराज ने अपने शिष्य को भी कुर्बान कर दिए हैं, है? क्योंकि दिल्ली में चांदनी चौक में हिंदुओं को बचाने के लिए, देखिए संत कैसे होते हैं, अगर एक को कट जाए सिर तो अगर 10 बच जाए तो संत ऐसे होते हैं अपने सिर को भी चढ़ा देते हैं कि हमारे खानदान, हमारे हिंदू भाई, हमारे ये समाज बचेंगे, ऐसे संत थे। अब होता क्या है, पलटू साहब को जब तेल देखा नीचे ऊपर करने लगा, उबलने लगा, पलटू साहब ध्यान में बैठे थे नदी के किनारे, माला जप रहे थे, और दो चार व्यक्ति आया पकड़ा और पकड़ करके जाके तेल के कढ़ाई में डाल दिया, तेल के कढ़ाई में डाल दिए। लेकिन शरीर में रहेंगे तब न छटपट करेंगे, सोचा ये लोग अब शरीर को रोने नहीं देंगे, क्यों ने शरीर से पहले ही निकल जाए, हैं? शरीर से निकल गए, जो मर्जी करो शरीर को। तो ऐसे होते हैं संत, जो अंतर साधना करते हैं, जो सुमरण करते हैं, जो झूठ चोरी नशा हिंसा विचार इन पंच पापों को छोड़ के रहते हैं, जो नित प्रति सुमरण भजन करते हैं, दूसरे को सत मार्ग दिखाते हैं, तो कहते हैं